नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक नई अनबॉक्सिंग फिर आया है और बिल्कुल टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। बिल्कुल जो इसके पहले मैंने किया था टेक्नो स्पार्क 10 प्रो 8 GB रैम और 128 GB का वेरिएंट था, मगर ये वाला डिफरेंट थोड़ा सा है, ये 5G वेरियंट है। तो ये वाला हमें मिलता है 5G वेरियंट। इसमें भी आप वर्चुअली रैम इसमें बढ़वा सकते हैं, 8 GB तक करा सकते हैं और 128 GB इंटरनल करवा सकते हैं। पर अभी के लिए इसमें जो वेरिएंट दिया गया है 4 GB रैम 64 GB इंटरनल, तो ये वेरिएंट है। और सेट का काफ़ी खूबसूरत सेट है जिसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले हमें मिल जाता है। उसके साथ ही मिल जाता है 50 MP का कैमरा, जो डायमेंसिटी प्रोसेसर इसका मिलता है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। 6020 डायमेंसिटी जो लगा है, 6020 डायमेंसिटी लगा है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और 5G मोबाइल है तो 5G के हिसाब से प्रोसेसर काफ़ी बेहतरीन डाला गया है। और डिस्प्ले की मैं बात करूं तो थोड़ा सा बहुत लो कर दिया है IPS डिस्प्ले, जो 90Hz का रिफ्रेश रेट तो ठीक है, बट IPS सुपर एलमोडेड कर देता थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के तो बेटर होता, बट सुपर एलमोडेड नहीं है, ये IPS डिस्प्ले है। आपको देखने में एंड्राइड 13 पे मिलता है, एकदम अपग्रेड वर्जन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और फ्रंट कैमरा जो है मिलता है 8 MP देखने को मिलता है, साथ में OTG सपोर्टेड है, 5000 की बैटरी है, 18W इसमें चार्जर मिलता है। अब से तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। और प्राइस भी काफ़ी कम ही रखा गया है, रियल प्राइस इसमें देखने को दिया 13,999 दिया गया है, मतलब है ये 13,000 रुपये का। ये रहा सेट, ब्लू कलर, वाह अब सही है, ये अब मॉडल ठीक लग रहा है। जो कैमरे की डिजाइनिंग की गई है इसमें एक छोटा सा कुछ डाल देता तो ठीक रहता है, इसको डमी बनाया गया है, एक ऊपर वाला कैमरा है और एक नीचे का कैमरा है और ये फ्लैश रहा, और डिजाइनिंग तो एकदम बिल्कुल सामने है आपके। और सेट को बूट करते हैं, यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है और फिर ये बैलून लॉकर मिल जाता है। नीचे की तरफ स्पीकर, टाइप सी चार्जर, माइक्रोफोन और ऑक्स केबल, बढ़िया है कि ऑक्स केबल ये दे रहा है। अभी आने वाले समय में तो सारी चीज़ हटने हैं। इधर सिम टूल्स है, अब देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स में मिलता है हमें एक केस जो कि काफ़ी अच्छा है और मजबूत की मजबूत है, मजबूती में कोई कमी नहीं। एक साथ में मिलता है टाइप सी केबल और एक मिलता है 18W का चार्जर। अब इन सब चीज़ों को करते हैं साइड, और साथ में एक सिम टूल्स मिलता है, अभी सब चीज़ का कोई काम नहीं, तो अब हम मोबाइल की सिर्फ बात करेंगे। मोबाइल का वेजल देखेंगे, साइड साइड वाला जो वेजल है काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ, थोड़ा सा कम होता तो ज़्यादा वेटर लगता, बट ठीक है, जिस हिसाब से सब बना रहे हैं वही से बहुत सही है। और बाकी मॉडल का है तो अब देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम चमकता मॉडल है। अब जल्दी जल्दी प्रोसेस को आगे हम लोग कर लेते हैं, तो सेटिंग से फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो ये गूगल वाला जो सिंबल है एकदम कंटिन्यू आता रहा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये रहा सेट बिल्कुल ऑन, और हम सेट करेंगे अब फिंगरप्रिंट कैमरा, यहाँ ये चीज़ कर दिया है, पर नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से आप घिसते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, इस साइड से घिसते हैं तो आपको फंक्शन आता है, तो एक ही साइड में दो दो चीज़ का मजा कर दिया, बढ़िया चीज़ है। चलिए हम नीचे आते हैं, सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट हम चेक करेंगे, फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, फेस लॉक चेक करेंगे कैसा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं आपको कंपनी ने। एक छोटा सा पैटर्न हमको बनाना होगा, ये प्यारा सा पैटर्न हम बना लिए अपना। अब ऐड करते हैं फिंगरप्रिंट, आपको ऐसे ऐसे बार बार टच करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट टच करने के लिए। और ये वाला फिंगर बिल्कुल बहुत इजी होता है, आप इसमें चाहे सारा फिंगर सेट कर ले आओ, इजी इसलिए होता है कि मोहल्ला किसी से खोलना रहता है इसी से हो जाता है, तो इसलिए आपको एहसास नहीं होता है कब लॉक खुल जाएगा। चलिए अब फेस लॉक साइड में सेट करते हैं, देखते हैं फेस लॉक में कितना टाइम लेता है।
तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग मांग रहा है, 5 सेकंड लिया है टाइमिंग सेट करने के लिए। चलिए सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी फैसलाक सेट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए आपको एहसास नहीं होगा फिंगर लॉक भी लगा है, क्योंकि ये फिंगर साइड वाले में यही फ़ायदा है, ये पीछे वाला तो बढ़िया है साइड वाला। बाकी चेक करेंगे इसका कैमरा वमरा हम, बाकी आपको दिखाते हैं जैसा फोटो आ रहा है। तो कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। लुक तो मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ, काफ़ी लाजवाब है और बिल्कुल सही है। और बाकी मैं लॉक वॉक के बारे में कुछ दिखाना चाहूँगा, लॉक काम कैसे कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल स्टल एकदम खुल गया, बहुत ही तेज है लॉक में, तो बहुत ही तेज है। आप फिंगरप्रिंट भी आप देख ही सकते हैं, बस टच गया खुल गया। मतलब ऐसा से ये चीज़ नहीं होना का है यार, यार दो बार दबाना पड़ रहा है, खुल जा ऐसे नहीं करना है। वन टच वन क्लिक खुल गया, तो ये बेटर है। अब मेरे हिसाब से जो फ़ोन है बिल्कुल सही है, कमियां कुछ नहीं है, जो प्राइस में है जिस प्राइस में ठीक है। बाकी सजेशन आपका लेना नहीं लेना आपके ऊपर होता है। तो मैं जो पिक्चर्स क्लिक किया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं दुकान के कुछ बाहर लिया हूँ, ये काफ़ी क्लियरिटी है फ़ोटो। आप ऐसे वॉलपेपर लगा लीजिए और फुल में रख दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कौन सा फूल है कौन सा मोबाइल है। तो ये चीज़ है। और ये कुछ और पिक्चर्स हैं, काफ़ी बेहतरीन आया है। और कुछ मैंने फ्रंट से बैक कैमरे से भी फ़ोटो हैं, और ये मेरा खुद का दुकान ही है। तो पीछे का फ़ोटो जो है आप देख सकते हैं, ठीक ठाक है, ठीक ही है, ठीक ठाक नहीं कहा जाएगा, इसे ठीक कहा जाएगा। और ये फ्रंट कैमरे से मैं लिया हूँ अपने, देख सकते हैं कि जो भी क्लियरिटी उठा रहा बढ़िया उठा रहा है, काफ़ी जूमिंग के बाद भी गड्ढा गड्ढा दिख जा रहा है जो भी चेहरे पे है। और ये काफ़ी दूर से फोटो है, तो ये भी ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी दूर है। अरे मैं दुकान में है ब्यूटी प्लस से मैं लिया हूँ, जिसमें आपको गड्ढा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लेन कर देता है, ब्यूटी प्लस का यही खासियत होता है। बाकी मुझे तो ठीक लगा, बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अब ये दोनों सेट आपके सामने रहे, ये है 4G और ये है 5G। प्राइस दोनों का लगभग लगभग सेम है, 500 रुपये का डिफरेंस है, 500 रुपये कम है। ये 12,500 का है, 13,000 का है। 4 GB रैम मिलता है, 64 इंटरनल, ये 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल। और मॉडल में आप दोनों देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट है, और ये वाला सेट छोटा भी है, ये वाला बड़ा है। बहुत सारे लोग मुझे SMS किए, मुझे चाहिए फ़ोन, मुझे चाहिए। तो जिनको भी लेना है आप कुरियर में भेज सकता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, पे ऑन डिलीवरी हो सकता है, आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा और सेम प्राइस में मिलेगा। बस कुरियर चार्ज आपको ही पे करना पड़ेगा, कुरियर चार्ज मैं नहीं पे करूँगा, तो मैं हर कंपनी का तो रूल है, तो कुरियर चार्ज वही कंपनी लेती है। प्राइस ये है कि आपको बिल्कुल बेस्ट मिलेगा, प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है। अब डिसाइड आपको है कौन सा फ़ोन चाहिए, दोनों आपके सामने हैं। इंटरफेस इसका ज़्यादा अच्छा है, 4G है फिर भी ठीक है, ये 5G है, थोड़ा सा इसको भी वाटर ड्रॉप मिला दिया तो ठीक करता, नॉच में कर दिया नहीं अच्छा मजा आया, वाटर ड्रॉप है ये बेटर है। और नीचे का आप सेम देखने को मिलेगा आपको, दोनों चीज़ों में सेम डिफरेंट है, कलर का डिफरेंट हो बस मॉडलिंग तो सेम ही दिया गया है, ये सब नीचे का सेम ही है। तो वीडियो का रहा एंड, और आपने दोनों मोबाइल को मैंने दिखा भी दिया और दोनों सेम कलर भी है, थोड़ा सा मॉडल मॉडल में डिफरेंट है, साइज में छोटा है बड़ा है, 4G है फिर भी बड़ा है, 5G है छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएंट में दोनों का डिफरेंस जमीन है आसमान का फर्क है, रेट में सेम फर्क इसका भी महंगा पड़ जा रहा है। तो ये रहा, बाकी मैंने सारा डिटेल आपको बताया है। अगर प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और किसी को भी मोबाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा और आप सारे लोग परचेस कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी मैं भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको मोबाइल ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तहे दिल से धन्यवाद आपका वीडियो के लास्ट तक बने के लिए। जय हिंद।